और दोनों तरफ के लाइन में से मौका समर्थन अभिनंदन करें, अपनी उपस्थिति खड़े होकर जरूर दिखाते रहे भैया। इस मैच में निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं सम्मानीय श्री ए एल उइके सर और साथ ही उनके साथ ही निर्णायक एन के इनवाती जी और थर्ड एम्पायर सम्माननीय आर पी उइके सर हुए हैं। भाई साहब पवन सिंह रामदल, आपसे निवेदन है भवन को प्रकला भटेखारी के कोर्ट की तरफ लाइन में की कमी है, आप अपनी जगह मैं चलिए आप वहीं रहे, हम मामा जी ठाकुर साहब आपको आमंत्रित करता हूँ। मामा जी के इशारे से प्रारंभ होता हुआ और यहाँ पर कंफ्यूजन टेबल खिलाड़ी रेड डालने जा चुके थे, निर्णायक ने एक खिलाड़ी को वापस भेजा। वन पॉइंट मिलता है कि नहीं देखते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर निर्णायक महोदय द्वारा दो खिलाड़ियों को आउट करा दिया गया और पहली रेड में अपनी टीम के लिए ड्रॉप लेकर आए और उसके पश्चात नसरुल्लाहगंज के खिलाड़ी फटेखारी के कोर्ट पर अपने प्रदर्शन दिखाते हुए और बहुत बढ़िया दबोच लिए गए। यहाँ पर एक अपनी टीम के लिए प्राप्त किया बहुत ही कड़ा मुकाबला। इस मैच में जो टीम विजयी होगी फाइनल खेलेगी और जो जो टीम पराजय होगी वो छिंदवाड़ा से तीसरे और चौथे स्थान के लिए अपना प्रयास मैच खेलेगी। पर चित कर दिए पसंदीदा टीम मसलमान पर टेंट हाउस वाले की तरफ और बहुत बढ़िया है कल हो जीनों का एक पॉइंट जमा दिया है। इसी तरह मैच के आगे के हाल के लिए साथी कमेंटेटर बहुत ही जबरदस्त पकड़ अतुल पवार से मैं राय जानना चाहूंगा। अतुल पवार जी बिल्कुल बोल, सात नंबर जर्सी में खबे भरी भरी की टीम कीमत अपना प्रदर्शन दिखाते हुए नसरुल्लाहगंज के प्लेयर अपनी कोर्ट में वापिस ऑफिसर टाइम आउट टाइम आउट को टाइम दिया गया भैया देख कर हल्का हल्का सर को जाता है बस सर को यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 10-20 हजार दर्शकों से भरा है स्टेडियम। बहुत ही शानदार प्रदर्शन विशाल कबड्डी प्रतियोगिता पिछली बार की भांति बेहतरीन कैच कर लिए गए यहाँ पर संजय, तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर कैचर की जो बहुत अच्छा कैच किया और बैट लेकर टीम को 200 रुपए का पारितोषिक दिया गया है। कैसा लगा हमारे
बजा करने करते बिल्कुल सहयोगी साथी आप समय समझ कर ध्यान दिलाया करें। हेलो खेल रही है बजा कर पांच नंबर जूनू वाली रेड है उनके पास 20 सेकंड चेक करें गुरु जी पांच नंबर खेलना होगा लगन की टीम को बोल पा रहा हूँ टीम के प्लेयर अपना शानदार जोहर दिखाते हैं नजरुल्ला नजरुल्ला टीम के प्लेयर सात नंबर प्लेयर की जर्सी पहने हुए इस प्लेयर को यदि बोनस पॉइंट ले जाते हैं तो हमारे कमलेश भाई साहब की ओर से यहाँ पर अपने कोर्ट में वापस पांच मिनट बचे अब टाइम के पांच मिनट बचे यहाँ पर दिया गया है सात नंबर जर्सी के प्लेयर हट करके उसका प्लेयर उनके बाहर जाते हैं जबरदस्त टू पॉइंट ले गए भैया देखिए अब रेडर क्या कर पाते हैं यहाँ पर अपने लंबे लंबे टांगों से अपने टीमों के लिए बोनस पॉइंट अर्जित करते एक नंबर जर्सी में पंजाब जी मान जी से प्लेयर पॉइंट ले लें आप और आप कमेंट्री करें इनवाजी जी को देख रहे किधर है का खेल सेवानी श्री वैभव पवार जी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कुछ क्षण पश्चात हमारे बीच उपस्थित होंगे अपनी गरिमा वही उपस्थिति हमारे बीच देंगे और प्रतियोगिता की चतुर्थ पुरस्कार की राशि सम्मानी श्री महेंद्र खंडेश्वर जी ग्राम लुमचा आपके द्वारा प्रदान की जाएगी चतुर्थ पुरस्कार राशि रुपए 3,000 बहुत अच्छी और भाई समिति के सदस्यों से मेरा अनुरोध है खिलाड़ियों को पानी की व्यवस्था प्राप्त कराई जाए भाई महेंद्र जी ध्रुवे मैं ध्रुवे जहाँ भी हो जल्दी आया आपका काम थोड़ा ढीला लग रहा है मुझे पाँच चार तीन दो समझ भी नहीं आ रहा इधर ग्राउंड भर मैं ध्रुवे इधर भरी ना समझ में भी जाओ पानी की व्यवस्था क्लियर करो आप अभी स्कोर मास्टर से पता चला उसको सात सात के बराबर है खेल जी के लिए एक चुनौती है और यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ टाइम स्टार्ट करो यहाँ पर
बहुत ही जबरदस्त स्टार्टिंग लिए थे यहाँ पर ट्रेनर ने, मजा आ गया देख के। बाकी क्या कर पाते इनसे खेल में, अभी क्या सुपर टेकल ऑन था तो मुझे दिएगा। खिलाड़ी यहाँ पर ब्लैक जर्सी में एक पॉइंट करे अर्जित, देखते हैं खिलाड़ी भाव खिलाड़ी के खिलाड़ी। और मैं बता रहा था देखो कि संजय भैया यदि एक भी खिलाड़ी को आउट करके आते हैं तो छोटू खान सेंटर बस स्टैंड आर बिफरिया एक महीने तक फ्री पॉइंट खिलाएंगे। एक मिनट 30 सेकंड का यह खेल अभी और बाकी है भाई के लिए। बहुत बढ़िया टैक्टिक लगाई थी पर असफल, और वापस अपनी कोर्ट में ऑफिशियल टाइम आउट नहीं। बहुत बढ़िया प्लेयर अंकित श्रीवास्तव भटेखारी टीम की ओर से रेड कार्ड हुए। 40 सेकंड बचे हुए और अंतिम 40 सेकंडों का खेल देखना है कौन कितना जोहर, कौन कितना अच्छा प्रदर्शन करता है दोनों ही टीमें अपनी अपनी टीम के लिए कसमाकस हर कुछ प्रयास। मैं नाम दूं ऐसा कुछ कर पाओ तो दूंगा, नहीं तो रेडर और टीचर तो होते ही हैं। यहाँ पर होते हुए 7:11 माफ कीजिए हाफ टाइम के बाद भी, और अंपायर महोदय निर्णय द्वारा मैच हाफ टाइम के बाद पुनः प्रारंभ कर दिया। बहुत ही जबरदस्त रेडर 7 नंबर जर्सी जिसके अंदर टीशर्ट और बॉडी तीन खिलाड़ियों के बीच नहीं यह समझ में नहीं आ रहा नो। और अंकित भाई यदि एक अंक ले जाते हैं तो अतुल पवार, अरे चलो कोई बात नहीं अगले बार देखेंगे। पुनः 4 नंबर टी शर्ट से है जर्सी से बाहर चलाएंगे। बहुत अच्छी कोशिश बैटिंग की बहुत ही जबरदस्त, जितना अच्छा किक उतनी अच्छी खिलाड़ी भावना। और 7 नंबर रेडर यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, लेटेस्ट प्रदर्शन होना चाहिए था नहीं हो पाया। नहीं तो कुछ भी नहीं था, तगड़े प्लेयर रेडर नंबर 1 की दो खिलाड़ियों के बीच सुपर टेकलों ने अंदर जाने की कोशिश नहीं कर पा रहे ऐसा लग रहा है। दूर साइड अंकित भाई बहुत ही जबरदस्त पटेखारी से दो नाम अंकित है अंकित चाची से बहुत लेटेस्ट प्लेयर है दोनों अंकित लेटेस्ट प्लेयर है नंबर 1 पर जो भी चलते हैं तो दोनों अंकित और प्रथम नाम पे आप आधार में अंकित ही होते हैं। सेवन नंबर पर लिए हैं 5 4 3 2 मेहनत करो और नो रिजल्ट देखते हैं। 1 point मेरा टाइम हरकत कर रहा टेट मंगा ली
बहुत ही निर्दिष्ट पढ़ने की हमारे बीच उसी क्षण पश्चात श्री की लीड से रसगुल्ला की टीम मैच स्टार्ट उलर बटे खाने के रेडर बहुत ही जबरदस्त बहुत ही गजब दर्शकों के बीच बहुत ही मेरे प्रिय साथी बहुत ही उत्साहित है इस मैच को देखते हुए स्कोर बोर्ड पर बिल्कुल पीछे निगाह से और हमारे बीच सम्मानीय श्री वैभव पवार जी भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान पुनः एक बार हो चुका हो गया है। एक बार दर्शक दीर्घा से मैं चाहूंगा जोरदार ताली से स्वागत हार्दिक अभिनंदन करें सम्मानित श्री वैभव पवार जी भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष। उसी तरह हमारे बीच बड़े भाई साहब श्री चैतराम जी पटले और बोलू पटले 100 डायल आप भी उपस्थित हो चुके आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन चाहेंगे जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत ही मजेदार मैच चलता हुआ नसरुल्लागंज और भटेखारी के बीच में और आगे की कमेंट्री के लिए मैं अपने साथी खिलाड़ी को माइक दे रहा हूँ। बिल्कुल आपका सम्मान करते हुए हमारे बीच नंबर एक खिलाड़ी में संजय बघेल नसरुल्ला की कोर्ट में अपना जोहर दिखाते हैं यहाँ पर को आखिरी कोर्ट में वापिस बाहर से कमेंट ना करे दर्शक बंधु दो अंडा है मारो या करो दर्शकों के पीछे पहुंचे उत्साह का माहौल इस प्लेयर को यदि नसरुल्ला की टीम पाती है तो 101 इनाम हमारे नसरुल्ला टीम को 5 सेंटर अश्विन मेहरा भिखारिया की ओर से 101 की राशि प्रदान की गई है। बस अभी द्वारा ले सकते राशि को बहुत ही देखने को जा रहा है 5 मिनट और से बीच में सिर्फ 5 मिनट शेष हमारे टाइम मास्टर द्वारा 5-4-7 नंबर जर्सी में हमारे प्रिय 7 नंबर जर्सी में अंकित पहलवान इन्हीं के बड़े भाई विजयी होती है तो हमारे प्रिय बंधु पवार ब्रदर्स ऑनलाइन सर्विस मायरा पिपरिया बालाघाट बाईपास रोड की ओर से उन्हें दम बिरयानी खिलाई जाएगी। यदि भटेखारी टीम जीतती है तो सबसे पहले मैं आऊंगा हमारे साथी 5-4-3 अंतिम 4 मिनट कोई भी जगह लेने मेरे को जोड़ के अदरवाइज सबको तकलीफ हो रही है। मैं तो पहले से ही चेक कर लूंगा दो अढ़ाई का एक खेल देखने क्या कर पाते हो उत्साह का माहौल समझ में आ रहा है। हमारे साथ के प्लेयर बहुत ही जाने माने प्लेयर है हमारे प्रिय दोस्त हमारे बहुत ही चरित्र प्रिय अंकित जी श्रीवास्तव अभी जानकारी लगी भाई भुवनेश्वर जी पटले आपका कहना है यदि यहाँ से बड़े भारतीय जीतती है
खिलाड़ी आउट होकर वापस अपने कोर्ट में। अभी अभी हमारे संवाददाताओं से पता चला है कि भुवनेश्वर जी पटेल भटेखारी से जो बिलाव करते हैं वह अपने प्रिय बंधु भटेखारी की टीम को 1001 रुपए पर प्रति दिन। बहुत ही जबरदस्त, इसको कहते हैं खेल कबड्डी, खेल कबड्डी, कबड्डी कबड्डी, चुस्ती फुर्ती दिमाग का खेल। जहाँ कहीं भी चालाकी रोहित भैया होती है और अभी उससे पहले के वही देखने को मिला। राकेश सोनी जहाँ कहीं भी हो फटाके लेता है यार, रोहित भैया पहले कहीं जरूरत पड़ रही थी उनको, बड़े वाले लालो छोटे मत लालो। राकेश सोनी 4-3 रोहित भैया से लेने किस साइज की चाहिए थी। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। दर्शी में हमारे स्टार प्लेयर संजय नसीब वाकई अपने इधर रखे हैं दिखाते हुए नसीब लगी टीम के बीच, बहुत बढ़िया अपने प्रदर्शन दिखाते हुए। Oh, yeah.